रक्त की कमी को देखते हुए और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर शहर क्राइम ब्रांच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिस दौरान पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने अधिक जानकारी साझा की। रक्तदान को महादान व जीवन दान कहा गया है। भारत में प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य समाज में महान परिवर्तन लाने, हिंसा और चोट के कारण गंभीर बीमारी, बच्चे के जन्म से संबंधित जटिलताओं, सड़क यातायात दुर्घटनाओं और कई आकस्मिक परिस्थितियों से निकलने में रक्तदान की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाना है। रक्तदान से जिंदगी से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिलता है, जिसके चलते शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने ने कहा कि शहर में रक्त की कमी को देखते हुए यह आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी ऐसा आयोजन किया गया था। प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन करतोय, स्वागत करतोय आपण, त्यानिमित्तानं आम्ही ठरवलं होतं की 75 लोकांना छोटेखानी अचानक हा प्रोग्राम आम्ही अरेंज केला होता आणि जवळजवळ 75 लोकांनी या शिबिरामध्ये भाग घेऊन रक्तदान केलेलं आहे। एक चांगला संदेश पण आम्ही यातून देत आहोत। पोलीस हे ट्रेनिंगपासून आपलं जीव जिजवत असतो, लोकांचे प्राण वाचत असतो, रक्त सांडू नये म्हणून सतत मेहनत करत असतो, गुन्हे होऊ नयेत म्हणून मेहनत करत असतो। गुन्हे झाले तर रात्रदिवस मेहनत करून गुन्हेगाराला पकडत असतो, कोर्टापर्यंत घेऊन जात असतो। याद्वारे संदेश हाच द्यायचा आहे की एक सामाजिक उत्तम काम आहे, अजून खुशी होती आपण काय तर। इस वर्ष संपूर्ण देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके चलते करीब 75 लोगों द्वारा रक्तदान किया जाए, ऐसा उद्देश्य हमारा था। ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त राजमाने ने इस अवसर पर दी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।